लोगों को पता गा कि जेकर पंजाब बच सकता तो कल आम आदमी पार्टी बचा सकती है, नहीं चाहे अकाली दल आ चाहे कांग्रेस आ चाहे बीजेपी आ, इन्होंने पिछले घट्टो घट 70 साल पंजाब की आर्थिकता हालत को बुरी तरह बर्बाद किया गा। बहुत सारे लोग सवाल ये भी करते हैं भी एक पासे तो राजनीतिक पार्टियां कहने असं किसानों के नाल, वो कहने किसान दुख की घड़ी सड़कों पर ने भी अलग अलग पार्टियां लोगों 2022 दी चोणां दे लई अपने शामिल करवाउण दे जुटियां होईयां ने। देखो मैं समझता जी एन आई ए के नोट्स आ रहे हैं कि बीजेपी की बुखलाहट का नतीजा गा, ये बीजेपी की हार का नतीजा गा, बीजेपी जी किस कदर डिग चुकी आ कि वह NIA वर्गी एजेंसियां जी वरत रही है, इस तो पहले CVA वरती होंगी सी हुण NIA वरत रही आ। ज़्यादा दलितों के बच्चे टारगेट किए यू आपा केसिस मानसा के सके पटियाला सके, असं उत्थे गए उन्होंने पिंडा तक उन्होंने घर तक नहीं जाके आए, और आम आदमी पार्टी का कहें जी असी LOP लाया वा ता कि दलित हिफाजत करे, तो किड़े दलित हिफाजत करनी सी। हुणे सुखपाल खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी सी, उन्होंने स्पैशली आम आदमी पार्टी ते तुहाडा जिक्र करदे होए कहा कि NIA ने जदों पहला भी कईयां नूं समनिंग कीती सी उहदे विच दलित लोग भी सीगे, भी दलितों भी जुआपा लगाया गया सीगा, उदों कहिंदे मैं उन्हां दा साथ देण लई पुज्जिया, ते उदों खास तौर ते कहिंदे हरपाल सिंह चीमा नूं दलितों की रक्षा दे लई विरोधी धिर दा नेता लगाया गया सीगा, ते उन्हां ने की कीता उन्हां दे लई, कहिंदे मैनूं इहदे लई दुख है कि जो कुछ उन्हां दे मूँह च आउंदा उल जुलूल बोलदे रहिंदे ने। आम आदमी पार्टी का अफसोस है, असी 7-8 महीने पहला पूरी दमदार लड़ाई लड़ी, एक शब्द नहीं बोले। ये जी सस्ती सहूलत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे, उन्होंने पहला मैं पूछना चाहना कि तुम आम आदमी पार्टी की जी टिकट MLA बने हो तो अज तक बने रहे हो, थोड़ी नैतिकता कितने गई, तुम हूँ तक रिजाइन क्यों नहीं दिता, तुम रिजाइन दे के कांग्रेस ना खेड रहे हो, तुम जाके स्पीकर साहब के पैरों से बैठते हो कि तुम क्यों नहीं जो रिजाइन दिता है, क्यों वापस लिया, क्यों कदे कोई बहाना कदे कोई बहाना। दिल्ली विच किसानी अंदोलन चल रहा है, तो अजिहे दे विच 2022 दीआं चोणां भी नेड़े आ रही ने, जिथे वख-वख राजनीतिक पार्टियां इस अंदोलन दे बारे बयानबाजियां कर रही ने, उत्थे नाल ही 2022 दीआं चोणां दे लई तैयारियां भी वड्डियां जा रही ने। आम आदमी पार्टी दे विच अज कुछ मैंबर शामिल होए ने, विरोधी धिर दे नेता हरपाल सिंह चीमा नाल ने साडे, गलबात करदे हां चीमा साहब, अज किहड़े लोग शामिल होए ने पार्टी दे विच? देखो अज समाज के हरेक वर्ग के लोग जिहड़े आम आदमी पार्टी शामिल होए ने, अबोहर तो बहुत सारे लोग शामिल होए ने, फिरोजपुर तो होए ने, मलोट तो होए ने गे, जीरकपुर तो होए ने गे, पंजाब मुक्तसर तो होए ने गे, पंजाब के हर एक जगह तो आम आदमी पार्टी लोग शामिल हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का काफिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा, अरविंद केजरीवाल जी नीतियां लोग जो मोहर ला रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जी सिद्धांत आते मोहर ला रहे हैं, लोगों को पता गा कि जेकर पंजाब बच सकता तो कल आम आदमी पार्टी बचा सकती है, नहीं चाहे अकाली दल आ चाहे कांग्रेस आ चाहे BJP इन्होंने पिछले घट्टो घट 70 साल पंजाब की आर्थिकता हालत को बुरी तरह बर्बाद किया गया। तुम देख लो कि 1992 तक पंजाब सरकार से सिर्फ 9,000 करोड़ का कर्जा सगा, और जिद 6,000 करोड़ का कर्जा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माफ़ करता से, वेव ऑफ करता सगा, अज कि गा अज 3.25 लाख करोड़ का कर्जा पंजाब से हो चुकिया, पंजाब को बर्बाद लगातार चाहे वह कैप्टन साहब हो चाहे प्रकाश सिंह बादल हो लगातार बर्बाद कर रहे हैं। सो पंजाब के लोग ये गल भली भांत जान चुके हैं कि जेकर पंजाब के दुखों दर्दों का कोई हल कर सकता, जेकर पंजाब की जवानी पंजाब की किसानी को बचा सकता, जेकर पंजाब की इंडस्ट्री को बचा सकता, तो आम आदमी पार्टी है। सो आम आदमी पार्टी के लोगों का विश्वास लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा। बहुत सारे लोग सवाल ये भी करते हैं भी एक पासे तो राजनीतिक पार्टियां कहने असं किसानों के नाल, वो कहने किसान दुख की घड़ी सड़कों पर ने, भी अलग अलग पार्टियां लोगों 2022 दीआं चोणां दे लई अपने शामिल करवाउण दे जुटियां होईयां ने। देखो आम आदमी पार्टी Day 1 तो पहले दिन तो किसानों के नाल, जिस दिन ऑर्डिनेंस आए थे उस तो लैके हुण तक लगातार किसान के नाल खड़े हैं, साडियां बहुत सारिया टीमां दिल्ली के विच ने, चाहे सिंघू बॉर्डर आ चाहे टिकरी बॉर्डर उत्थे सेवा कर रहे हैं, चाहे उत्थे मैं समझदा वाईफाई की गल लाउण की गल हो आम आदमी पार्टी सरकार ने लवाया, चाहे लंगर की गल वो वैसे तो लोग बहुत सारे लंगर ला रहे हैं कि पूरे पंजाब च पूरे देश विदेशों से लंगर आ रहे हैं, पर लेकिन आम आदमी पार्टी अपना बनता हिस्सा पा रही है। इस तरह पानी की गल, इस तरह टॉयलेट्स बाथरूम की गल, आम आदमी पार्टी डट के किसान के नाल खड़ी, अज भी खड़े हैं पहला भी खड़े हैं, लेकिन मैं समझना इतने ये भी काम करना साडा धर्म है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, और राजनीतिक गतिविधियां करना जो है वो फर्ज बनता, असं गतिविधियां पंजाब कर रहे हैं। NIA के वालों लगातार नोटिस किए जा रहे हैं, समनिंग हो रही है, उन्होंने किमें वेखते हो? देखो मैं समझता जी NIA के नोट्स आ
रहे ने गे ये बीजेपी की बुखलाहट का नतीजा गा ये बीजेपी की हार का नतीजा गा बीजेपी जी किस कदर डिग चुकी आ कि वह NIA वर्गी एजेंसियां जी वरत रही है इस तो पहला CVA वरती होंगी सी हूँ NIA वरत रही है तुहानू पता गया पहला इनकम टैक्स के नोट्स जोड़े है कि आड़तियां आए ट्रेडरस आए शैलर मालकों आए बहुत सारी जगह चाहे अबोहर फाजिलका तरन तारण अमृतसर की गल हो पूरे पंजाब नोट्स भेजे इनकम टैक्स रेडा मारिया गई लोगों डराया गया हूँ NIA तो जोड़ा है डराया जा रहा सो ये संघर्ष जोड़ा है निरोल किसानी का संघर्ष है ये मैं समझना इस तरह करके सरकार को कुछ हासिल नहीं होना मैं जिन्हें नोट्स आए हैं सारे वापस होने चाहिए मैं यदि निखेधी करना तुसी निखेधी कर दिओ ते हुणे सुखपाल खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी सी उन्होंने स्पैशली आम आदमी पार्टी ते तुहाडा जिक्र करदे होए कहा कि NIA ने जदों पहला भी कईयां नूं समनिंग कीती सी उहदे विच दलित लोग भी सीगे भी दलितां नूं भी जुआपा लगाया गया सीगा उदों कहिंदे मैं उन्हां दा साथ देण लई पुज्जिया ते उदों खास तौर ते कहिंदे हरपाल सिंह चीमा नूं दलितां दी रक्षा दे लई विरोधी धिर दा नेता लगाया गया सीगा ते उन्हां ने की कीता उन्हां दे लई कहिंदे मैनूं इहदे लई दुख है। देखो उन्हों का मैं समझ नहीं आती कि जो कुछ उन्होंने मूँह चाहता ऊल जलूल वो बोलते रहते हैं सारे पंजाब को पता गा बच्चे बच्चे पता गा वक्तों खुंजी डूमनी गावे आल पताल आम आदमी पार्टी ने उदो भी डट के हमायत की सी मेरे अपने हल्के का मुंडा सी मैं उद्दे जाके नाल खड़िया सीगा जाके मैं उन्होंने पैरवाई की सी हूँ भी कर रहे हैं ये जी सस्ती सहूरत हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे उन्होंने पहला मैं पूछना चाहता कि तुम आम आदमी पार्टी की जी टिकट MLA बने हो तो अज तक बने रहे हो थोड़ी नैतिकता कितने गई तुम हूँ तक रिजाइन क्यों दिता तुम रिजाइन देकर कांग्रेस ना खेड रहे हो तुसी जाके स्पीकर साहब के पैरों से बैठते हो कि तुसी क्यों नहीं जो रिजाइन दिता है क्यों वापस लिया क्यों कदे कोई बहाना ये सारे पंजाब के लोगों को पता है कि वड्डा मौका प्रस्ता हो जी। तो हूँ आम आदमी पार्टी दिल्ली दे विच की कर रही है NIA दे नोटिस आ रहे हैं कोई वड्डे लैवल का क्योंकि सरकार उत्थे हैगी आ केजरीवाल साहब इस दे लई कोई नोटिस लैके कुछ कर रहे हैं बेशक इत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो कुछ ज़्यादा जोर दिखाया नहीं बिल्कुल ये साडी नैशनल जिहड़ी पार्टी दे सुप्रीमो ने कि इह सारी गल उहनां दे ध्यान दे विच आ बड़ी जल्दी जिहड़ा हैगा साडी मीटिंग होगी इहदे विच सारा मसला विचारांगे जी। सो इह सन हरपाल सिंह चीमा जिन्हां दे वल्लों NIA बारे गलबात कीती गई है ते नाल ही 2022 दीआं चोणां दे लई जिहड़ियां तैयारियां विढ दित्तियां गईआं ने ते आम आदमी पार्टी दे विच लोगों की शमूलियत हुई है लोगों ज्वाइन करवाया गया है तो नाल ही उन्होंने सुखपाल खेरा के उत्ते भी जो सवाल खड़े किए ने तो उस दे लई हुण वेखना होगा कि खेरा साहब चीमा साहब के इन सवालों का इन दोषों का जवाब किवें देंगे ने। सज्जन सिंह सैनी के नाल जगदीप सिंह थली पंजाबी लोक चैनल चंडीगढ़। मेरा नाम नीलम है मेरे घर का नाम सरदार सूबा सिंह असी पिंड आले वाले के रहने वाले हैं फिरोजपुर जिला फिरोजपुर तो मेरे कैंसर हो गया 2000 तो मैं PGI चंडीगढ़ तो इलाज करवाया जी उतो ऑपरेशन किया उन्होंने मेरा ऑपरेशन करता तो इलाज लूज तो बाद मैं 2 बाद फिर कैंसर फुट पिया फिर मैंने इन्होंने दसिया रोमोस्टैटिक वाले का फिर मैं इतने चली गई तो इतने मैंने जाने उन्होंने 8 दिन की दवाई दी तो 8 दिन बाद मैं थोड़ा फर्क पैना शुरू हो गया कि मैं पहला ऐसा कि नहीं बचती फिर मड़ के जो इन्हें दवाई दी तो मैं बहुत फर्क पै गया 8 दिन थोड़ा जहा पैना फर्क हो गया 3 महीने का इलाज से इन्हों का भी 3 महीने से दवाई खवावे फिर ठीक करेंगे तेन वो 3 महीनों के भी मैं 8 दिन घट ही खाती दवाई तो मैं ठीक हो गई बिल्कुल। फिर मैं इतों बागी तो करवाया CT स्कैन करवाई सारे टैस्ट दोबारा करवाए भी कैंसर हो फिर रहता नहीं गया कि वह कहते नहीं जी हूँ तू बिल्कुल ठीक है।